Hi viewers, I am Imran Abbasi and you are watching Imran Abbasi Vlog. So viewers, subscribe my informative YouTube channel Imran Abbasi Vlog and press bell icon for new upcoming videos. Viewers, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सैनिटरी टैंक कवर्स के बारे में. So viewers, जैसे आप देख सकते हैं ये वीडियो में हमारे पास सामने एक सेप्टिक टैंक का कवर है. जो सबसे पहले मैं इसके मटेरियल की बात करूँगा कि ये सेप्टिक टैंक का जो कवर है हमारे पास, ये 70x70 का जो हमारे पास कवर है मीडियम ड्यूटी का, ये किस मटेरियल का जो है बना हुआ है. तो व्यूअर्स, ये जो है हमारे पास जो है दो मटेरियल जो हैं वो मिलके बना है. तो सबसे पहले जो मटेरियल इसमें है वो ग्रे कास्ट आयरन है, यानी कास्ट आयरन की एक टाइप से वो ग्रे कास्ट आयरन कहलाता है. और इसके बाद डक्टाइल आयरन, ये दोनों जो हैं अज्जा मिल के जो है ये टैंक का कवर बना है. इससे ये देख सकते हैं सेप्टिक टैंक का कवर है, ये मीडियम ड्यूटी है. और इसके बाद अगर मैं इसके लोड की बात करूं, जो इसका लोड टेस्ट हुआ है, यानी कितना वज़न ये जो है टैंक कवर वो बर्दाश्त कर सकता है, तो ये जो टैंक कवर है ये 12.5 टन जो लोड है इसके ऊपर, अगर ये 12.5 टन का जो लोड आएगा, इतना लोड जो है ये आराम से बर्दाश्त कर सकता है. तो इसी वजह से ये जो हमारे पास कास्ट आयरन का बना हुआ ये जो और डक्टाइल आयरन से मिक्सर से जो बना हुआ ये हमारे पास टैंक कवर है, तो ये बहुत आसानी से हम इसको कार पार्किंग एरिया में, रोड्स एरिए में इंस्टॉल कर सकते हैं. तो व्यूअर, इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में बताऊँ मैं आपको. इसमें जो है दो की होल्स दिए गए हैं यहाँ पर, जो ओपन और क्लोज के लिए है, जिससे हम आसानी से टैंक कवर को रिमूव कर सकते हैं, उठा सकते हैं ऊपर. इस तरह वन वे फिट है ये, और सिंगल सील है इसके अंदर, जिसके अंदर हम कोई भी सिलिकॉन वगैरह से जो है सिंगल सील की वजह से इसको गैस्केट इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं. बैटोमैन कोटेड है और इसके अलावा एपॉक्सी कोटेड है ये. तो ये इसकी स्पेसिफिकेशंस हैं, बहुत ही आला मियार का, बहुत ही स्पेशल मटेरियल का ये बना हुआ जो हमारे पास, और बहुत ही हैवी कवर है. तो फिर इस कवर को हम जो है सेप्टिक टैंक की नेक के ऊपर इंस्टॉल करेंगे, जहाँ पे ऑलरेडी हमारा जो है सेप्टिक टैंक इंस्टॉल हुआ हुआ है, वहाँ पे हमने इसकी नेक बनाई है ब्लॉक वर्क से. इसके ऊपर हम जो इसको आसानी से सीमेंट के ज़रिए से इसको फिट करेंगे. सो व्यूअर, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे जो है कुछ मटेरियल जो है हमें यहाँ पे डिलीवर हुआ है. तो ये जो मटेरियल है ये क्लीन आउट कवर है, ये भी सेम जो है मटेरियल जो हमने आपको पहले बताया था, ये ग्रे कास्ट आयरन का मटेरियल है जिससे ये मिलके बने हैं कवर. ये भी बहुत हैवी कवर हैं और ये मीडियम ड्यूटी कवर हैं, और इसमें भी वन वे फिट है ये, और इसमें सिंगल सील है, और साथ में इसके एक लिफ्टिंग हैंडल दिया हुआ है सेंटर में. बैटोमैन कोटेड है और एपॉक्सी कोटेड है, जो इसको रास्टेड से और क्रूजन से बचाता है. तो ये देख सकते हैं इसका जो साइज़ है ये 30x30 है, और ये जो है मुख्तलिफ पर्पस पे यूज़ होता है. यानी अगर आपके पास कोई गली ट्रैप है, पार्किंग एरिया में आ रहा है या रोड एरिया में आ रहा है, या कोई ऐसा ड्रेनेज का पॉइंट है जो हमारे रोड साइड पे आ रहा है या पार्किंग साइड में आ रहा है, जैसे क्लीन आउट वगैरह होता है, तो इसके ऊपर ये जो है मीडियम ड्यूटी जो है कवर इंस्टॉल होते हैं. देख सकते हैं इस पर हम, इसमें सिंगल सील है, ये देख सकते हैं टू पीस में है, एक कवर है दूसरा फ्रेम है. फ्रेम को कंक्रीट में इसको फिक्स करेंगे, उसके बाद कवर को इंस्टॉल कर देंगे. और ये आपको मैं जूम करके थोड़ा दिखाऊंगा यहाँ पे, ये देख सकते हैं यहाँ पे ये सिंगल सील है. तो यहाँ पे हम रबर की सील भी लगा सकते हैं सिंगल, और साथ में अगर सिलिकॉन देना चाहें वो भी दे सकते हैं, ताकि ये एयर टाइट हो जाए और किसी भी तरह की जो है स्मेल प्रूफ हो जाए. वैसे तो क्लीन आउट और जो है उसके ऊपर भी एक अपना प्रॉपर एंड कैप होता है, जिसकी वजह से जो है स्मेल बाहर नहीं आ सकती. तो ये देख सकते हैं आप, ये रोड साइड पे और कार पार्किंग में हम इसको इंस्टॉल करेंगे इन कवर्स को. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 70x70 वाला जो कवर है, इसको हमने अलहदा अलहदा करके रखा है. इसका जो कवर है ये फर्स्ट पीस है, और ये सेकेंड पीस इसका जो फ्रेम है, ये देख सकते हैं आप, फ्रेम सिंगल सील के साथ है, बहुत ही हैवी फ्रेम है, जिसको कंक्रीट के ज़रिए जो है
इस ब्लॉक्स के ऊपर इसकी सेपरेट टैंक की जो नेक है इसके ऊपर हम इसको जो है इंस्टॉल करेंगे। देख सकते हैं आप यहाँ पे ब्लॉक्स प्रिपेयर कर रहे हैं सीमेंट के साथ। सेपरेट टैंक की नेक आपको जो है नज़र आ रही है के बाद इसको ब्लॉक्स लगाने के बाद इस फ्रेम को उसके ऊपर एडजस्ट करेंगे और इसके बाद ये जो हमारा पार्किंग एरिया है इसकी इसको कॉन्क्रीट कर देंगे तो हमारा जो कवर का फ्रेम है वो अच्छी तरह से इस ब्लॉक्स के ऊपर एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कवर जो फ्रेम है हमारे पास, उस फ्रेम को बिठाने के बाद अराउंड एरिया को कॉन्क्रीट कर दिया है तो कवर जो है हमारा यहाँ पे सेप्टिक टैंक का जो वो अच्छी तरह से जो है फिक्स हो चुका है। उसके बाद ये हमने इसके ऊपर जो है कवर लगा दिया सेप्टिक टैंक का। तो इस तरह ये जो सेप्टिक टैंक की नेक है ये इसके ऊपर ये जो कवर है ये इंस्टॉल हो गया है। ये देख सकते हैं इसकी साइडों में कंप्लीट जो है कंक्रीट कर दी है और ये अच्छी तरह से जो है फिक्स हो गया है। इसकी डायरेक्शन इंस्टॉल करते वक्त देख लें ये जो कार एंट्रेंस की डायरेक्शन है वही इसकी डायरेक्शन होनी चाहिए इंस्टॉल करते वक्त। इस तरह से ये देख सकते हैं 30x30 का जो क्लीन आउट का कवर है वो भी पार्किंग एरिया में जो है फिक्स हो चुका है। सीमेंट के ज़रिए उसका फ्रेम फिट किया है। उसके बाद जो है इसकी चारों तरफ जो है पार्किंग की कंक्रीट हो जाएगी। ये कंक्रीट होने के बाद आप देख सकते हैं ये कवर जो है ये प्रॉपर तरीके से जो है फिक्स हो गया है। इसको जो है बाद में क्लीन कर लेंगे। तो कवर को जो है पहले इंस्टॉलेशन के वक्त जो है हमने यहाँ पे प्लास्टिक शीट लगाना मिस हो गई थी हमसे, तो यहाँ पे अगर इसके ऊपर प्लास्टिक शीट इंस्टॉल होगी तो इसको क्लीन करने की भी ज़रूरत नहीं होगी और कंक्रीट जो है इसके ऊपर नहीं आ सकेगी।